सो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो रहे हैं, ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बोट 452 की अनबॉक्सिंग करेंगे। यार इन ईयरबड्स टिल्वेस ने काफ़ी वेट कराया, लाइक 18 सितंबर को लॉन्च होने थे, बट आई डोंट नो कि क्यों बोट ने जो प्लान है वो पोस्टपोन किया। एंड ये ईयरबड्स आज रात को लॉन्च हुए थे एंड इवनिंग टाइम पे हमारे पास ये आ चुके। चलिए बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं कैसी ईयरबड्स हैं। एंड 65 ms की लेटेंसी आपको मिलती है 1300 रुपये की प्राइस टैग पे, तो देख लेते हैं वो वर्थ इट है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल GS Tech। चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस अमेज़न की वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल था। प्रोडक्ट ये था बोट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल, बट 5000 रुपीज़ वो प्राइस टैग वहाँ पे लगाए हुए थे, तो इसलिए हमने परचेज़ नहीं किया। ये 1300 रुपीज़ के ईयरबड्स हैं, 5000 रुपीज़ के नहीं हैं, तो कौन इनके लिए 5000 रुपीज़ पे करेगा? मे बी वो कुछ एरर था बोट की ओर से, बट आई डोंट नो। तो वो बात साइड में रखते हैं, देन हम यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 5.2 कनेक्टिविटी आपको मिलती है, जो है बीस्ट मोड आपको मिल जाता है, लाइक गेम मोड आपको मिल जाता है। ओके, एंड पीछे की तरफ आपको कुछ और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। IPX4 रेटिंग के साथ ये आते हैं। 20 आवर्स का बैटरी बैकअप है, 4 आवर्स लाइक 4 टाइम ये चार्ज कर सकते हैं। देन आपको गाइज फास्ट चार्जिंग मिलती है, 50 मिनट में फुल चार्जिंग हो जाती है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है एंड टच सेंसर भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बॉक्स कंटेंट। तो ये आपको एक सेटअप गाइड मिलता है, एक FAQ कार्ड मिलते हैं, देन आपको एक्स्ट्रा एयर टिप्स ब्लू कलर में मिल जाते हैं 4, एंड एक टाइप सी डेटा केबल, देन आपके बोट के 452। यार बॉक्स काफ़ी बड़ा है सच में। ओके, तो इनको हम साइड में रख लेते हैं एंड हमारे पास वारंटी कार्ड एंड कुछ अदर थिंग्स यहाँ पे हैं रेडमी करके, इनको साइड में रख लेते हैं। हम अपने ईयरबड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस, फिजिकल ओवरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये प्लास्टिक का रैप दिया हुआ है इनकी चार्जिंग पिन पे, वो रिमूव करना होता है। बेसिक स्टेप वो है इनको यूज़ करने के लिए। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, आपके ईयरबड आप नहीं कनेक्ट होंगे। ओके, तो ईयरबड आपके कनेक्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ता है। देन ऊपर भी एक प्लास्टिक रैप दिया हो तो उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो गाइस अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको प्लास्टिक काइंड ऑफ फिनिश मिलती है। ओके, प्लास्टिक ही है पूरा, बट बिल्ड क्वालिटी थोड़ी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। ओके, सामने की तरफ आपको एक LED लाइट एंड एक बटन दिया हुआ है इनको रीसेट करने के लिए। नीचे आपको 452 एंड मेड इन वियतनाम वगैरह, पीछे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग एंड ऊपर की तरफ आपको बोट का लोगो मिल जाता है। तो ये तो था इनके फिजिकल ओवरव्यू के लिए गाइज। आप देख सकते हैं बोट 452, ये भी प्योर प्लास्टिक है गाइज। तो गाइज बोट 452 यहाँ पे आपको प्योर प्लास्टिक में मिलते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी LED लाइट्स यहाँ पे आपको दिख रही है एंड ईयरबड्स भी आपको प्योर प्लास्टिक फिनिश के साथ एंड बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलते हैं, बट प्लास्टिक आप बोल लीजिए थोड़ा बेटर क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो गाइज पेयर हमने कर लिए हैं अपने ईयरबड्स एंड पेयरिंग काफ़ी आसान थी, ईजी थी। ओके, पेयरिंग के बाद हम यहाँ पे मूव करते हैं इनकी ईयर फिटिंग पे। ईयर फिटिंग कैसी है, किस टाइप की फीलिंग यहाँ पे आ रही है? तो इनको यूज़ करने के बाद जो एनवायरमेंटल नॉइस है वो थोड़ा कम हुआ है। ओके, ये बेसिकली जो भी ईयरबड्स इस टाइप की टेक्नोलॉजी या सिलिकॉन एयर टिप यूज़ करते हैं उनके साथ बेसिकली आप बोल लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा। ओके, तो अच्छी बात है। देन गाइज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बोट 452 आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं एंड कम प्राइस होने की वजह से ये काफ़ी अच्छे ट्यूबलेस हैं। आप चाहे इनकी बैटरी लाइफ बोल लीजिए, चाहे चार्जिंग टाइम बोल लीजिए, आप अराउंड 4 to 5 आवर्स सिंगल टाइम बैटरी में इनसे बैटरी बैकअप की उम्मीद कर सकते हैं।
चार्जिंग टाइम सिर्फ 50 मिनट है एंड ईयरबड्स भी आपके 40 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एंड ईयर फिटिंग मुझे ठीक लगी, बट बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में मैं इनको 8 मार्क्स दे रहा हूँ। आपको LED लाइट भी मिल जाती है यहाँ पे, इंडिकेटर मिल जाते हैं, ओके, तो वो अच्छी बात है। बट अगर हम बात करें इनकी साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी बेस और बास आपको किस टाइप से मिलता है, कितनी अच्छी यहाँ पे आपको बेस या बास मिल जाता है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं एक बार। मैं एक म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ एंड ट्राई करूँगा उसको मैक्सिमम वॉल्यूम पे यूज़ करने की एंड जान देखेंगे कि कितनी अच्छी यहाँ पे आपको वॉइस क्वालिटी मिलती है। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको गेमिंग मोड ऑन करना है तो वो आपको ऑन करना पड़ेगा, लाइक बाय डिफॉल्ट वो ऑन नहीं होता, तो वो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो पहले हम म्यूजिक सुन लेते हैं, देन अदर थिंग्स की बात बाद में करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं इनकी साउंड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो साउंड क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। मैं इनको साउंड क्वालिटी वाइज एज पर प्राइस 7.5 मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि इतने लाउड नहीं है। सुन लीजिए, मैं अगर लाइक मेरे हैंड जितना दूर इनको रख रहा हूँ, लाइक 1 मीटर अवे भी रख रहा हूँ, तो वॉल्यूम काफ़ी डिफिकल्ट है ईयर तक पहुँचना। बट अगर आप इनको ईयर में पुट कर लेते हैं देन मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि आप सुन नहीं पाएंगे, हाँ आप सुन पाएंगे। कई ईयरबड्स ऐसे होते हैं उनको अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पर आप यूज़ करते हैं तो वो ईयर में पेन देना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनकी वेरिएबल है। तो वॉइस क्वालिटी ठीक लगे मुझे, बास और बेस आप बोल लीजिए, उसमें भी मैं इनको यहाँ पे अगेन 7.5 मार्क्स दे रहा हूँ। वॉल्यूम लेवल भी इतना हाई नहीं है, एवरेज साइड है। ओके, तो सभी चीज़ एवरेज है, ऐसा अभी तक कुछ भी मुझे एक्सेप्शनल गुड नहीं लगा। हाँ, इनका जो बीस्ट मोड आप बोल लीजिए या आप गेमिंग मोड बोल लीजिए, राइट ईयरबड्स को 3 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, 1, 2, 3 आई थिंक होल्ड करके रखने से वो ऑन हो जाना चाहिए था, बट मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं आया कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ। मैं एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ देन देखते हैं। ओके, हो गया ऑन फाइनली। तो टच सेंसर आई थिंक थोड़ा डिले रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, तो मैं एक बार काम करता हूँ, मैं एक गेम खेल लेता हूँ लाइक पबजी का। एंड गेम क्या, मैं जो ट्रेनिंग वाला ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड, वहाँ पे हम चले जाते हैं, देख लेते हैं कि लेटेंसी कितनी मिलती है आपको एंड उसके बाद हम इनकी कॉल क्वालिटी की बात करेंगे, माइक्रोफोन क्वालिटी की भी बात करेंगे। तो गाइज़ अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, लाइक 65 ms की जो लेटेंसी है वो काफ़ी सही रंग तक काम करती है। बट स्टिल जो हाई एंड प्लेयर हैं जिनको इवन लाइक जो थोड़ा बहुत लेटेंसी है उससे भी दिक्कत होती है, तो डेफिनेटली उनको तो फील होगा। बट अगर आप एक एवरेज गेमर हैं, एवरेज यूज़र हैं, देन आप इतना नोटिस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे आपको डिले मिल रहा है। आप ठीक ठाक यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड लेटेंसी उतनी नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे आपको साउंड सुना देता हूँ, आप AWM की यहाँ पे साउंड सुन सकते हैं बेटर। तो गाइज हमने यहाँ पे गेमिंग मोड इनका टेस्ट कर लिया बीस्ट मोड ऑन करके एंड डेफिनेटली यार समथिंग है इनमें, कुछ अच्छा है। फाइनली बीस्ट मोड ऑन करने के बाद आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाता है गेमिंग के लिए। तो आई थिंक इनका पर्पस ये था, जो लोग ईयरबड्स को यूज़ करके गेम खेलना चाहते हैं एंड एक्सपेंसिव ईयरबड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, देन डेफिनेटली वो बोट के एयरडॉप्स 452 के लिए जा सकते हैं एंड अमेजोन की सेल में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो गेमिंग वाइज मैं इनको 10 में से 10 मार्क्स देता हूं, क्योंकि गाइज
1300 रुपये में आप इससे बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी तक आपको ATMS की लेटेंसी मिलती थी, लाइक वो सबसे लोएस्ट थी 1500 रुपये में। ओके, एंड टर्क S1 Q1 भी काफ़ी कम लेटेंसी आपको ऑफर करते थे, बट स्टिल गुड। एंड 65 लेटेंसी इज समथिंग रियली गुड, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन ईयरबड्स के बारे में ये है। ओके, बात करेंगे इनकी कॉल क्वालिटी की, देन ओवरव्यू एक कर लेंगे, एंड मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ कि मैं कितना आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये ईयरबड्स परचेज करने के लिए। तो चलिए कॉल क्वालिटी, तो गाइस माइक्रोफोन क्वालिटी भी हमने यहाँ पे चेक कर ली है बोट एयरडॉप्स 452 की। ओके, एंड माइक्रोफोन क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, अबो एवरेज मैं बोलूँगा, इवन इनको एवरेज भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइक इतनी ग्रेट भी नहीं थी, हाँ बट ठीक है, आपकी जो नॉर्मल कॉलिंग वगैरह है उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, माइक्रोफोन ठीक है, बट इवन अगर आप इनको लाइक जब बाहर होते हैं लाइक आउटडोर होंगे तब मे भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी इनमें नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई है, तो वो थोड़ी दिक्कत होगी, बट कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट वो चीज़ हमें इग्नोर करनी चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने इनकी साउंड क्वालिटी, बास और बेस क्वालिटी, देन इनकी गेमिंग टेस्ट, माइक टेस्ट, सब कुछ टेस्ट हमने किया, साथ ही साथ मैंने आपको इनकी बैटरी लाइफ चार्जिंग टाइम के बारे में भी बताया। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन में यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की, लाइक जो इनका लेफ्ट ईयरबड है वो मेरे कान में फिट नहीं हो रहा, वो लाइक काफ़ी स्लिपरी है। ओके, राइट ईयरबड में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, राइट ईयरबड काफ़ी ठीक है, एंड ऐसा ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ईयरबड जो है निकल रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये आप जिम वगैरह के लिए या रनिंग वगैरह जॉगिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, मे बी आप इनको लॉस्ट कर देंगे, खो देंगे, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, बोट एयरबड्स 452 के बारे में, बट सभी पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें, इंक्लूड करें, एंड बताऊँ मैं आपको कितने बैटरी एयरबड्स हैं, तो गाइज मैं आपको 9.5 यहाँ पे रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर आपका गेमिंग के लिए आप गेम खेलना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गाइज बोट एयरबड्स 452 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एयरबड्स अंडर 1500 रुपीज़ होने वाले हैं। ओके, बोट इंडियन कंपनी है तो वो भी काफ़ी अच्छा, बट ये ब्रांड, ये जो पीस है वो वियतनाम में बना, मेड इन इंडिया नहीं है। ओके, दैट्स अनदर थिंग, तो काफ़ी अच्छे एयरबड्स हैं। आप मुझे बताइए कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन बोट एयरबड्स 452 का कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।